नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 30 जून मंगलवार सुबह 5:15 की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में ईंधन की कीमतों में हो रही वृद्धि भाजपा के पूरी तरह असंवेदनशील शासन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एनडीए ऐसे समय में मुनाफाखोरी कर रहा है जब लोग बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता को लूटना बंद कर देना चाहिए। एक महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर रोज बढ़ी हैं। निरंतर मूल्य वृद्धि गलत नीतियों का प्रमाण है। इससे महंगाई बढ़ेगी और कृषि निवेश महंगा होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया था कि प्रदेश से लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि कोरोना संक्रमण की संख्या में वृद्धि जारी है, इस कारण से 30 जून को लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी जाएगी। मुख्य सचिव अजोय मेहता ने की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि मास्क लगाने, शारीरिक दूरी, सभाओं पर पाबंदी और अन्य नियमों का पालन जारी रहना चाहिए। सरकार ने सलाह दी है कि जहां तक संभव हो सके घर से ही काम किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए राज्य के नगर निगमों, जिला कलेक्टर और आयुक्त को निर्देश दिया है। सीकर जिले के भड्डाढर के पास पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने 5 राउंड फायर किए, वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर दी। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 4 बदमाशों को दबोच लिया। इससे में से 2 हरियाणा के शूटर बताए जा रहे हैं, जबकि 4 बदमाश मौके से फरार हो गए। आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 एयरगन व कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। सीकर जिले के खंडेला में कोचिंग करने वाले शिक्षक की फेसबुक आईडी को 7 महीने पहले किसी ने हैक कर लिया। फेसबुक आईडी से आरोपी ने शिक्षक से जुड़े 150 लोगों को अश्लील फोटो व वीडियो भेज दिए। खंडेला थाने में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। खंडेला निवासी आनंद ने बताया कि उसकी फेसबुक आईडी 7 महीने से किसी ने हैक कर रखी है। आरोपी उसके परिवार से जुड़ी महिलाओं व रिश्तेदारों को अश्लील फोटो व वीडियो भेज रहा है। पीड़ित का कहना है कि यदि उसकी समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आत्महत्या जैसा कदम उठाने की नौबत आ सकती है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार मोकमपुरा के सरकारी अस्पताल के गेट पर ही एक महिला का प्रसव हो गया। जिस समय महिला का प्रसव हुआ उस समय अस्पताल में कोई भी डॉक्टर या नर्स नहीं थे। क्षेत्र के लोगों ने अब डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अलवर के भिवाड़ी में बिजली विभाग के अधिकारियों से धक्का मुक्की होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार विभाग की विजिलेंस टीम के साथ ग्रामीणों का वीसीआर भरने को लेकर बैलेंस टीम के साथ विवाद हो गया। विजिलेंस टीम बिजली चोरी को लेकर नांगलिया गांव में छापा मारने पहुंची थी। कुछ देर बाद टीम वापस लौट आई। बांसवाड़ा जिले में शराब के सरकारी गोदाम में बियर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 1620 पेटी बियर अवधि पार होने के कारण इसे नष्ट किया जा रहा है। आरबीसीएल के डिपो मैनेजर लोकेंद्र पांड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद थे। बताया जाता है कि इस बियर की कीमत 24 लाख रुपए से ज्यादा की थी। बांसवाड़ा के ग्राम पंचायत जहांपुरा के जम्बूड़ी गाँव में शिवानी निनामा ने घर में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर में कोई नहीं था। सूचना पर दानपुर थाना पुलिस पहुंची व शव को नीचे उतारा। पुलिस ने बताया कि शिवानी के माता पिता मजदूरी के लिए कुशलगढ़ के पाटन गए थे। घर पर उसकी दादी और छोटा भाई था। दादी ने बताया कि उसकी पोती शिवानी ने कहा कि व्रत के लिए नारियल और अगरबत्ती लेने गए हैं। पीछे से शिवानी ने फांसी लगा ली। बूंदी शहर के लंका गेट स्थित अमर शहीद सुभाष भारत गैस एजेंसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से एजेंसी में रखा 10 से 11 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गैस एजेंसी संचालक बबीता शर्मा ने कोतवाली में इसकी रिपोर्ट सौंपी। मैनेजर गणेश ने बताया कि आग से इलेक्ट्रॉनिक सामान, 3 कंप्यूटर, प्रिंटर, कूलर, टीवी, पंखे, फर्नीचर, जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए। संचालक ने इस हादसे से करीब 10 से 11 लाख रुपए का नुकसान होने की जानकारी दी।
भीलवाड़ा जिले में अवैध फीस वसूली के खिलाफ अभिभावकों ने ग्रीन वैली स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन द्वारा लॉकडाउन अवधि की फीस मांगी जा रही है। वहीं स्कूल फीस में स्कूल प्रशासन द्वारा 20% की बढ़ोतरी की गई है। इस पर आक्रोशित परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस से अन्य महकमे को प्रतिनियुक्ति के मामले में पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के नाम मांगे हैं। इसके लिए विभाग ने केंद्र राज्य उपकर्मों विभागों निगम बोर्ड में प्रतिनियुक्ति अधिकारी कर्मचारी की सीधी भर्ती के बाद 5 साल की सर्विस, 5 साल में कहीं प्रतिनियुक्ति या पदस्थापित नहीं रहा हो या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है आदि शर्तें बताई हैं। कोरोना काल में वीवीआईपी सहम गए हैं। आरटीओ से गाड़ियों के लिए वीआईपी नंबर लेने के लिए नीलामी होती थी। नीलामी में कई बार काफी महंगी बोली पर नंबर बिके हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से नंबर के लिए कोई नीलामी नहीं हुई। तय दर से ही गाड़ियों के वीआईपी नंबर लिए जा रहे हैं। वीआईपी नंबरों के लिए 1 से अधिक आवेदन नहीं आ रहे हैं। जयपुर के सांगानेर थाना क्षेत्र में एक युवती से लूट होने की जानकारी सामने आई है। परवादी सुमन जैन ने लूट का मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि सांगानेर के चोरड़िया पेट्रोल पंप के पास कोई अज्ञात उसका पर्स लूटकर फरार हो गए। मालपुरा गेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के आसियाबाग जंगल में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसके बाद गाँव में सनसनी फैल गयी और लोग एकत्रित हो गए। जानकारी के अनुसार आसियाबाग निवासी वीरेंद्र कटारा उम्र 22 साल अपने घर पर अकेला था। पिता मजदूरी करने गए थे। शाम को पिता वापस घर लौटे तो बेटा नहीं था, जिसके बाद पिता ने अपने बेटे की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान गांव के ही जंगल में एक पेड़ पर चुंदरी का फंदा लगाकर वीरेंद्र लटका हुआ मिला। राज्य के स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा के जरिए फीस वसूली प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती, जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने राज्य के सचिव स्कूली शिक्षा को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न राज्य के उन सभी स्कूलों के खिलाफ आदेश जारी किया जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान फीस वसूली है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन कक्षाओं पर भी क्यों न रोक लगा दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। दौसा में वकील अपहरण मामले में अपहरण व हनी ट्रैप के आरोपी संजीता को कोर्ट में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया गया है। कोतवाली थाना पुलिस आरोपी को गंगापुर लेकर गई। युवती को पुलिस ने कल देर शाम गिरफ्तार किया है। युवती ने कोर्ट का कार्य बताकर वकील को बुलाया था। लालसर थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जयपुर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक में नाथद्वारा के चौपाटी सहित शहर के विद्युत लाइनों के अंडरग्राउंड करने पर चर्चा चल रही है। करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना पूरी होगी। बैठक में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डिस्कॉम अजिताभ शर्मा, अजमेर MD VS भाटी, रासमन नाथद्वारा PWD विद्युत अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्य के समयबद्ध ढंग से पूरा करने को लेकर डॉक्टर सीपी जोशी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।